भारत के विपक्ष में बीजेपी और मुख्यतः प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन करना ऑपोजिशन को आज बेनकाब कर दिया, एक्सपोज कर दिया। ऑपोजिशन हर बार पर्सनलाइज्ड कैंपेन और बेबुनियाद आरोप चलाते हुए आखिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, उनके बात साफ सुथरा हुआ। ऑन 9 डिफरेंट इश्यूज डिटेल चर्चा हुआ, मतलब प्रस्तावना रखने वाला मंत्री किरण रिजिजू जी ही उसको डिटेल में उसके ऊपर बात किए, 9 अंश को लेकर के। उसमें सबसे पहला मैं आपके सामने रखना चाहती हूं कि कैसे भारत के विपक्ष में बीजेपी और मुख्यतः प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन करना और उसमें एकदम हल्के भाषा में या अब्यूसिव लैंग्वेज के साथ, नेगेटिव टोन के साथ प्रधानमंत्री जी को व्यक्तिगत नीचे दिखाते हुए भाषा के साथ बार बार जो नेगेटिव कैंपेन होते रहा, उन सब में लीगली कोर्ट एक के बाद दूसरा करके सुप्रीम कोर्ट तक मामला हर एक बार गया और सुप्रीम कोर्ट में हर एक बार उन 9 मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेगेटिव डिसीशन, मतलब ऑपोजिशन के खिलाफ डिसीशन जो हुआ, उससे ऑपोजिशन का कंप्लीट ये नेगेटिव कैंपेन को बार बार कोर्ट के द्वारा ऐसे जजमेंट के द्वारा उनको नकारते आए। ऑपोजिशन का नेगेटिव कैंपेन के ऊपर टीका टिप्पणी कोर्ट के द्वारा होते आए, क्रशिंग लीगल रिस्पॉन्स के द्वारा ऑपोजिशन को आज बेनकाब कर दिया, एक्सपोज कर दिया। वो 9 मुद्दे मैं सिर्फ आपको कोट कर रही हूं जहां नेगेटिव प्रधानमंत्री जी के खिलाफ व्यक्तिगत अब्यूसिव लैंग्वेज के द्वारा नेगेटिव कैंपेन जो ऑपोजिशन बेबुनियाद आरोप लगाकर चला, उन सब में हर एक में कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नकारते हुए ऑपोजिशन के टीका टिप्पणी हुआ है। पेगासस उस स्पाईवेयर के मामले में पीएम के खिलाफ नेगेटिव बातें बोलने के बावजूद इतने कोर्ट में बेस्ड ऑन एविडेंस जजमेंट सरकार के और प्रधानमंत्री के फेवर में आया, ऑपोजिशन का बेबुनियाद कैंपेन को नेगेटिव करवाया। सिमिलरली रफेल, एनफोर्समेंट डायरेक्टरी तीसरी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस चलाना और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर ही केसेस लगवाना और उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना, इन सब के, ये तीसरी। फोर्थ, सेंट्रल विस्ता के ऊपर कितने टीका टिप्पणी करने वाले, बेबुनियाद आरोप करने वाले ऑपोजिशन को सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और उधर सटीक जवाब मिला। और इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर रिजर्वेशंस, वो पांचवी, और छठी डीमोनेटाइजेशन। सो ऑपोजिशन हर बार पर्सनलाइज्ड कैंपेन और बेबुनियाद आरोप चलाते हुए आखिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, उनके बात साफ सुथरा हुआ।